यादव है, मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और तकरीबन 15 साल से स्पीच एंड हियरिंग फील्ड में काम कर रही हूँ। हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम जितने ज्यादा बच्चों को टेस्ट कर सके। अभी हम एक प्रोग्राम के तहत लायंस क्लब युवा हैदराबाद और HNR स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के पार्टनरशिप में नॉर्मल बच्चों के स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के कान के टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमको ये पता चलता है कि क्लास 1 और क्लास 2 में जो बच्चे जा रहे हैं उनमें से कितने बच्चों के कान में सुनने की क्षमता नॉर्मल है, और अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो उनके साथ क्या किया जाए। बहुत बार पेरेंट्स को यही नहीं पता होता है कि अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उसकी वजह से हम हैदराबाद में जितने नॉर्मल स्कूल हैं हम उन सारे स्कूल्स में बच्चों को फ्री में हियरिंग टेस्ट कर रहे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ऑटो एकॉस्टिक इमिशन बोला जाता है, उसके जिस टेस्ट के थ्रू 10 सेकंड के अंदर बच्चों की हियरिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है वो हमें पता चल जाता है, और वो स्क्रीन करने के बाद जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनको हम फर्दर मैनेजमेंट के लिए क्या उनका करना चाहिए उसके लिए हम उनको वापस बुला लेते हैं। ये अभी आज का प्रोग्राम हमने डॉन हाई स्कूल में किया है जिसमें हमने करीब 70 बच्चों को टेस्ट किया है, उनमें से करीब 62 बच्चे जो है वो नॉर्मल आए हैं और 8 बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आई है जिनके लिए हमने स्कूल मैनेजमेंट के साथ फर्दर क्या ट्रीटमेंट करना है वो डिस्कस करके उनको बुलाया है।